तो दोस्तों सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास यहाँ पे ओनिडा कंपनी का एलईडी रिपेयर होने के लिए आया है। तो अभी एलईडी 24 इंच का है, तो उसमें प्रॉब्लम दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑन करके ऑन किया तो अभी दोस्तों इसमें 10x का प्रॉब्लम है। तो अभी मैं यहाँ से ऑन ऑफ साफ से यहाँ पे ऑन करता हूँ तो भी ये ऑन नहीं हो रहा, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी यहाँ से देख सकते हो ऑन कर रहा हूँ, ये हमारा पावर बटन की है। तो अभी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो तो रेड लाइट में है। तो अभी दोस्तों अभी एलईडी को खोल लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने खोल के रखा है। तो अभी यहाँ पे डिस्प्ले को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे एलईडी निकाल देता हूँ। यहाँ तो अभी दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार ऑन करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ना लगे कि हमारा स्विच है वो ख़राब होगा। तो एक बार सभी स्विच में यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ से मैं ये पावर की को यहाँ से ऑन करता हूँ, तब भी हमारा यहाँ पे देखिए हमारा एलईडी तब भी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों एलईडी में प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे हमारा सेंसर पे वोल्टेज आता है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट देखता हूँ, तो 5 वोल्ट दोस्तों सॉरी, और यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट काम कर रहा है। तो फिलहाल मेरे पास अभी दोस्तों इसका रिमोट नहीं है, तो पहले मैं बेसिक वोल्टेज इसका चेक करता हूँ। अभी यहाँ पे पहले फर्स्ट 12 वोल्ट में चेक करना है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वोल्टेज परफेक्ट हमें मिल रहा है। तो उसके बाद में हमें यहाँ से 5 वोल्ट पहले चेक करता हूँ, तो 5 वोल्ट की कोयल यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट की कोयल रही, तो यहाँ पे देखता हूँ तो 5 वोल्ट प्रेजेंट ओके बन रहा है दोस्तों। तो उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्ट तो और 3.3 वोल्ट, पहले 3.3 वोल्ट बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखता हूँ तो ये भी ओके बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, और यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनेगा। डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे इसमें लिखा हुआ हो रहता है, तो यहाँ पे आप देख के पता कर सकते हैं। तो एक कोयल है छोटी सी है तो 1.2 वोल्ट, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या है बन रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 1.2 वोल्ट हमारा यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। तो अभी एक बार फिलहाल यहाँ पे चेक करता हूँ, तो दोस्तों अभी मिल रहा है क्योंकि मैंने इस साइड चेक किया था। तो यहाँ पे देखिए 1.2 वोल्ट हमें मिल चुका है, तो ये भी ओके है। अभी हमें फ्लैश आईसी पे चेक करना है, तो हमारा यहाँ पे आईसी देखता हूँ तो हीट भी दोस्तों नहीं हो रहा है, और आपको नंबर शायद मैंने नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे इसका ओनिडा का जो कार्ड है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और अभी फ्लैश आईसी के 1 नंबर पिन पे हमें चेक करना है, तो यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो एक्यूरेट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा वोल्टेज 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस आईसी और ये फ्लैश आईसी का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर इसमें रहता है इससे हमारा ये प्रोसेसर चलता है। तो अभी यहाँ पे 3.3 एक बार देखता हूँ तो प्रेजेंट है 8 नंबर पिन पे, यहाँ पे नहीं आ रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम इसका हमें तो समझ आ गया है, क्योंकि इसका प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो अभी भी यहाँ पे एक बार आप देख सकते हो, तो एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, अभी भी हमारा यहाँ पे सेट ऑन नहीं हो रहा। तो फिलहाल आईसी को बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे एक बार फ्लैश करके देखते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे आईसी को बाहर निकलता हूँ और इसका फाइल डाउनलोड करके दूसरा इसमें लगाते हैं दोस्तों।
तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्यूटर टेबल पे आ गया हूँ, तो अभी आईसी को यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे पहले इसे बिठा लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे RP809 ऐप को यहाँ से रन करता हूँ दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रामर है वो कनेक्ट नहीं है, तो एक बार फिर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने जो आईसी है उसको डिटेक्ट कर लिया है, GD25Q32 इसका नंबर है। तो अभी यहाँ पे पहले हमें रीड तो नहीं करना है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर है वो करेक हो गया है। तो ऑलरेडी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, लेकिन पहले आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो इसमें पहले आप बैकअप इसका ले के रखें। तो अभी यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए टेलीग्राम से मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है, देख सकते हो। तो ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे ले लिया है और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और अभी राइट पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो अभी हमारा यहाँ पे ऑटो इरेजिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बोर्ड, कोई भी एंड्रॉइड बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो एलईडी का रिपेयरिंग में भेजना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं निकलता हूँ आईसी को और ऑल बोर्ड रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट लगा लेता हूँ पहले। तो दोस्तों आईसी को अच्छी तरीके से लगा लिया है, उसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी दोस्तों एक बार ऑन करके देखता हूँ और यहाँ पे हमारा वोल्टेज बनेगा तब हमें पता चलेगा कि हमारा सेट यहाँ पे 100% ऑन हो गया है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमारा वोल्टेज बनना चाहिए, तो बन गया दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, और ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा LED ग्लो कर रहा है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर करके दिखाया है कि स्टैंड बाय प्रॉब्लम में LED आए तो किस तरीके से हम चेक करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी एक बार यहाँ वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए 12 वोल्ट चेक करा देता हूँ यहाँ पे। तो प्रेजेंट यहाँ पे 12 वोल्ट बन चुका है और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।